इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कतर से आए मलेश्वर राव समेत उनकी फैमिली भी शामिल हुई, जिन्होंने एक सुर में कहा कि कतर लाख उनकी कर्मभूमि है लेकिन भारत उनकी जन्मभूमि है, जहां पर आने पर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। इन्हीं बातों के बीच कतर की इस राव फैमिली से खास बातचीत कैंप न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनकीरा ने। भारत भूमि है ही ऐसी कि यहाँ पर जब प्रवासी भारतीय पहुँचते हैं तो गर्व भी होता है और अपने स्वदेश लौटने की जो खुशी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती। तो देख सकते हैं कई ऐसे मेहमान हैं जो कि प्रवासी भारतीय हैं और फिलहाल कतर में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं यहाँ पर जो कि सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। सर सबसे पहले तो कि किस तरह से मलेश्वर राव जी आपका मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पहला दिन है, पहला आगाज़ है, इंदौर जो कि इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? यस यस रियली वी आर फ्रॉम कतर, वी जस्ट कतर हैज़ कंडक्टेड फीफा 2022 फुटबॉल, सो विद द सेम आईज वी सी हियर that is a clean country, same thing we came here and feeling that, you know, almost similar to that place, so we are really excited to see because it is the best in the surroundings. We know that India maybe, you know, we not expected this much clean and maintaining sixth year, it is a great difficulty because of our circumstances, but really wonderful job they are doing. Yes. मैम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, किस तरह से रहा काफ़ी समय बाद कतर से आपका भारत वापस आना हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुनेंगे तो क्या आपके मन में चीज़ें चल रही हैं, आप कैसा? Of course, our honorable Prime Minister is very dynamic Prime Minister. उनको देखते ही हमको फिर वापस आना चाहते हैं भारत को, कुछ आशा है कि अच्छा हो रहा है, अच्छे दिन आ गए ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे भी भारत भूमि आने के लिए किसी की वजह तो वजह की ज़रूरत नहीं है, हमेशा वी आर ईगर टू कम बैक टू अवर मदरलैंड। ऐसे स्टेप्स के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि NRI कॉन्फ्रेंसेस जब जब होती है तो ऐसा कहा जाता है कि पुराने दोस्तों से भी मिलना होता है, और जब इंडियंस के बीच में एक इंडिया का बाशिंदा पहुंचता है तो उसका एक फीलिंग अलग ही होता है, आपके लिए कैसा ये अनुभव रहा? ये एक्चुअली हम लोग बताए तो ये वो तो कर्मभूमि है, ये जन्मभूमि है, जैसा नरेंद्र जी ने बताया था माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हमारे पास कतर भी आए थे, वो आके हम सबसे मिले थे और हमारा हमको गर्व भी होता है, ऐसा हमारा देश का नाम ऊंचा लहरा रहे हैं सब जगह और सब दुनिया में, और यहाँ पे आके मध्य प्रदेश सब हम सोचते हैं हम स्टेट्स बहुत है, मगर मध्य प्रदेश आने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ मैं अपने मैके आई हूँ। मैं ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना, हम लोग आते हैं तो NRIs को जनरली बहुत कम दिन के लिए आते हैं, 15 दिन हम लोग बहुत सारे कामों से, मगर इस बार ये प्रवास भारती दिवस के लिए हम लोग टाइम निकाल के इधर आके हम लोग बिताना चाहते हैं सब दोस्तों के साथ। हमारे कतर की तरफ से 270 लोग आए हैं, पूरा इस बार बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, हम लोग पहले भी कुंभ मेला में गए थे प्रवास भारती दिवस में, और ये तो बहुत अच्छा बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है मध्य प्रदेश टूरिज्म वालों ने और गवर्नमेंट ने और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब मिल के, और आपका पूरा मध्य प्रदेश के लोगों ने इतना प्यार दिया हमको, 2 दिन से हम लोग इधर है, हमको महसूस तक नहीं हुआ कि हम लोग कहीं पराई स्टेट में है या कहीं पे हैं, ऐसा लगा ही नहीं हमको। बहुत खूबसूरत से आप लोग निभा रहे हैं सभ्यता और संस्कार, वो मैं बताऊंगी मध्य प्रदेश के बारे में। एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी प्राइम मिनिस्टर से, हमारी कंट्री से, जो आपको लगता है कि अब उस दिशा में और काम होना चाहिए ताकि जैसे आप लोग भारत के तिरंगे की शान जो हैं कतर में जाकर वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो भारत में ये चीज़ और हो जाए तो इससे आनंद और दोगुना हो जाए? वो ज़रूर हमको तो महसूस होता है जब कतर में, यहाँ से जब रिलेशनशिप्स बढ़ता है बाकी दुनिया की तरफ जो प्राइम मिनिस्टर जी निभा रहे हैं, तो तभी हमको हमारे हमको भी बहुत गर्व होता है, और लोग भी हमारे तरफ जो दूसरी दुनिया के लोग भी हमारे तरफ बहुत इष्टापूर्वक हमको रेस्पेक्ट देते हैं, तो इसीलिए हमको तो गर्व है, हम लोग ये तो लहराए और लहराए करके हम लोग इच्छा करते हैं। देख सकते हैं कि भारतीय होने का गर्व भी है,
पासपोर्ट के रंग जरूर इनके अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल में जो तिरंगे के तीन रंग हैं वो तो वही हैं, और जो भारतीयता है वो मूल रूप से अभिव्यक्त भी होती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इन खिलखिलाते चेहरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मेहमान हैं हमारे, ये न केवल भारत की शान है बल्कि कतर में जो है भारतीय तिरंगे के जो है तीनों रंगों को अभिव्यक्त भी करते हैं, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में उत्साह की लहर को पैदा करते हैं, ये वानगी भी वो हमारे साथ बातचीत में साझा करते हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।